ये वाला जो काजल है वो ऑलवेज मेरे कार्ट में रहता ही रहता है। ये है फेसेस कनाडा का मैग्नेट आइस काजल 24 आवर स्टे। 24 आवर स्टे ये कह रहा है, डेफिनेटली ये रुकता तो है, बट गाइस अगर आप कोल्ड काजल के शौकीन हैं एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये आपकी आंखों से ना टस से मस नहीं होता, जिसको बोलते हैं ना टस से मस नहीं होता, बिल्कुल ये वैसा काजल है। सो ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरे पूरे कार्ट का, नॉट कार्ट मीन्स पूरे हॉल का ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है गाइस। इसको बहुत आराम से देख लीजिए, अगर आप काजल बाय करना चाहते हैं तो इसको इसको जरूर बाय कीजिए। एंड गाइस ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल गया है। एक्चुअल में इसका ओरिजिनल प्राइस 179 है, बट ये मुझे मिला है आई गेस 165 और 135। मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी इसका ओरिजिनल एंड सेल प्राइस भी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, सो गाइस हियर इज अ नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ एनवाई बे का आई शेडो। गाइस अगर आप बिगनर है ना और पैलेट वगैरह बाय नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक पैकेजिंग का बहुत छोटू सा आई शेडो है। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के बाय कर सकते हैं, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट मिल जाते हैं। अभी मैंने कहते हैं ये वाला बाय किया है, मैं इसकी पिगमेंटेशन आपको दिखा देती हूँ। लुक बहुत ही लाइट सा मैंने लिया है एंड बहुत सटल सा ये आपकी आईज पे जाता है। लुक गाइस आई होप कि आपको कैच कर रहा हो। सो ये है ये प्रोडक्ट गाइस, ये बहुत अफोर्डेबल है, प्राइस आप चेक कर लीजिएगा। सो ये था मेरा नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नाउ बकेट लिस्ट में अगेन एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है गाइस, ये है पर्पल का कॉम्पैक्ट, वंस इन अ लाइफ कॉम्पैक्ट विद एसपीएफ। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्पैक्ट इज एसपीएफ। गाइस अगर आपके कॉस्मेटिक्स में एसपीएफ है ना तो कितनी अच्छी बात है। अगर आप सनस्क्रीन भी कभी भूल जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसमें तो वेयर ही कर रखा है। सो द बेस्ट पार्ट इज एसपीएफ। एंड गाइस मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये गाइस बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल है। एक कॉम्पैक्ट जो कि बेस्ट चीज के लिए जाना जाता हो और इतने अफोर्डेबल प्राइस में है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका बहुत ही स्लीक सा काइंड ऑफ पैकेजिंग है, प्लस ये थोड़ा सा लग्जूरियस दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। ये है गाइस इसका इनर, ये इस तरह से एक मिरर मिलता है आपको और कॉम्पैक्ट मिलता है। अगर आप फाउंडेशन वेयर करते हैं और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा केकी लगता है या आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसको आपको करना क्या होता है, आपको अपने मेकअप को सेट करना होता है इससे, मीन्स आप फाउंडेशन के बाद इसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई कीजिए, देन डस्ट ऑफ कर दीजिए। आपके मेकअप में जितना कॉम्पैक्ट रिक्वायर्ड होगा उतना वो ले लेगा, बाकी वो हटा देगा, मीन्स हटा देगा क्या, आप खुद हटाओगे। तो ये क्या करता है, आपके मेकअप को ना बहुत अच्छे से कर देता है सेट। तो ये है वो प्रोडक्ट गाइस, अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। आपने इसके रेटिंग वगैरह भी देखी होगी, पर्पल का ये कॉम्पैक्ट काफी अच्छा जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट इज पर्पल लिप क्रियॉन। गाइस ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, प्लस इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं तो आप कोई सभी अपने लिए बाय कर सकते हैं। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और सॉफ्ट क्रीमी कलर यूज करना चाहते हैं तो इस तरह के क्रियॉन्स आप जरूर बाय कीजिए। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एट द सेम टाइम गाइस लुक, एट द सेम टाइम ये आपको एक बहुत ही सटल सा लिप्स पे लगता है। इनका फॉर्मूला काफी ज्यादा लाइट है, ये मैं आपको कलर दिखा रही हूँ। लुक अगर आपकी इस ओके अगर आप इसको बहुत ही मल्टीपल टाइम करते हैं तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये आपके लिप्स से बहुत ज्यादा कॉम्फी रहेगा, तो आप चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एनवाई बे कंसीलर। एनवाई बे के ना कुछ प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है, मीन्स कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं प्लस बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, इसलिए मुझे कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। गाइस ये वाला कंसीलर ना आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने फिटमी वगैरह का ट्राई किया हुआ है तो डेफिनेटली यू विल लव इट। इसका फॉर्मूला बहुत लाइट है, ये क्रीज कम करता है। अगर आप तुरंत इसको अप्लाई कर लेते हैं, मीन्स तुरंत सेट कर लेते हैं अप्लाई करने के बाद, तो ये क्रीज कम करता है। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि फिटमी का मैं जेल लगाती हूँ तो यहाँ पे मुझे लाइन दिखती है, बट इसको मैं लगाती हूँ तो यहाँ पे ये लाइन वगैरह मुझे नहीं दिखती है। तो यू विल डेफिनेटली लव इट। द रीज़न इज कि आपको बहुत कम पैसे में मिलता है और वह ज़्यादा पैसे वालों से अच्छा करता है। सो ये भी मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, यू कैन बाय। और अपना एक्सपीरियंस भी गाइस इसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि ये मैंने ही फील किया या आपने भी फील किया। वैसे इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोगों को ये काफी पसंद भी है। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ।
सो नाउ गाइज हियर इज माई लास्ट एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज स्टिक वे की नेल पेंट। गाइज मेरा कोई भी हॉल ना बिना नेल पेंट के खत्म नहीं होता। सो ये मैंने बाय किया है स्टिक वे की का नेल पेंट। येलो कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और साथ ही साथ मुझे येलो कलर पसंद भी है, सो इसलिए मैंने इसको बाय किया है। स्टिक वे की मैं पहले भी नेल पेंट यूज कर चुकी हूँ, मुझे अच्छी लगी है इसलिए मैंने बाय किया है। प्लस ये मुझे बहुत ही रिजनेबल एंड अफोर्डेबल प्लस डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल गई है, इसलिए मैंने अपने कलेक्शन में इसको भी रख लिया है। सो या गाइस ये था मेरा पर्पल हॉल वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मेरे लिए बहुत 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 थैंकफुल वाली बात होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इट्स माई रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।